आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक कर लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरों पर। एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया की सलाह, ओमिक्रोन हल्का संक्रमण, घबराए नहीं। भारत के रक्षा निर्यात को मिलेगा जोर, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस से जल्द हो सकती है डील। ब्रिक्स बैंक का सदस्य बना मिस्र, भारत ने मिस्र को एनडीबी में शामिल करने का किया स्वागत। गृहमंत्री अमित शाह ने किया सावधान, कोरोना में बदलाव के साथ बढ़ रहे मामले, सबको सतर्क रहने की जरूरत। कश्मीर में दो अलग अलग मुठभेड़ों में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी हुए ढेर, 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल। कश्मीर के पूर्व डिविजनल कमिश्नर और अन्य को बहुचर्चित रोशनी एक्ट घोटाले में समन जारी। कालीचरण खुजराहोत से गिरफ्तार, रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। देश में ओमिक्रोन के 948 मामले, कोरोना के भी 10,000 से ज्यादा मिले केस, दिल्ली और मुंबई में आंकड़े नजर आए। भारतीय जीनोमिक कंसोर्टिया इंसागाल ने किया है आगाह, प्रतिरक्षा को भेदने में बहुत तेज है ओमिक्रोन। स्कूली बच्चों से जुड़ी पीएम पोषण स्कीम का भी होगा सोशल ऑडिट, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश। कोर्बेवैक्स टीके के विकास में डैंग्स लैब ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका, मंजूरी देने के लिए डीसीजीआई को किया धन्यवाद। बिहार सरकार के मंत्री का हमला, आम जनता खुश, नीतीश के शासन में सिर्फ राजद के लोग ही दुखी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रोन के कम्युनिटी स्प्रेड के दिए संकेत। सिद्धू ने कैप्टन पर साधा निशाना, डीजीपी और एजी को न हटाया तो मजीठिया के पर केस दर्ज नहीं होता। भाजपा का बंगाल में जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर, जनवरी में बंगाल आएंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। बालेगांव विस्फोट केस को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुए सीएम योगी, कहा शरारत के लिए जनता से मांगे माफी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदला एक और नाम, झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, दुर्गा शंकर बने नए मुख्य सचिव। नए साल में खुलेंगे रोजगार के द्वार, गोरखपुर में 5,000 से अधिक बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट स्कूलों के अनुदेशकों व रसोइयों को दिया नए साल का तोहफा, बढ़ाया मकया मानते। औरैया में मासूम बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी देने की उठाई मांग। सहारनपुर में टोल नहीं देने को लेकर हुआ भारी विवाद, लड़कियों में चले लात घूंसे। आगरा कांग्रेस महासचिव का मास्टर स्ट्रोक, वाल्मीकि समाज को चुनाव मैदान में उतारने का हुआ ऐलान। अलीगढ़ में सिंचाई विभाग की लापरवाही आई सामने, किसानों की फसलें हुई जलमग्न। फिरोजाबाद में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने महिलाओं से किया संवाद। गाजीपुर में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ संपन्न, राज्यसभा सदस्य ने किया संबोधन। गोरखपुर में नगर निगम के नवनिर्मित भवन का हुआ लोकार्पण, सीएम योगी ने किया लोकार्पण। संभल में आवारा जानवरों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, खेतों की रखवाली करने को मजबूर है किसान। आगरा में शोरूम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। औरैया में स्कूल का हुआ औचक निरीक्षण, बच्चों को पढ़ाते दिखे खंड शिक्षा अधिकारी। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में छेड़खानी, कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक समेत चार पर एफआईआर दर्ज। फतेहपुर में शहर का हुआ है धारा 144 का उल्लंघन, जन्मदिन पर कराया गया बाल बालाओं से डांस। यूपी में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, दिव्यांग और बुजुर्ग कर सकेंगे घर बैठे वोटिंग। शहर में विवाहिता ने की आत्महत्या, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद में हुई हिंसक झड़प, पानी भरने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। हरदोई में मुर्गा व्यापारी को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। रायबरेली में ग्राम विकास अधिकारी की बड़ी लापरवाही, कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है बुजुर्ग महिला। रायबरेली में राजू श्रीवास्तव के पीआरओ का हुआ निधन, सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। शाहजहांपुर में जन विश्वास यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत, यात्रा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री। संभल में अज्ञात लाश मिलने से बचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका पर दिया धरना। घने कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी, 50 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी, वाहनों में लाइट जलाकर चलने को मजबूर है लोग। लखीमपुर खीरी में हुआ सड़क हादसा, बिजली के खंभे पर पलटा है गन्ने से भरा ट्रक, पुलिस कन्नौज में भाग। जनविश्वास यात्रा के दौरान मंच पर चले डंडे, जिला उपाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने की अभद्रता। चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, कानपुर के सपा पार्षद कांग्रेस में हुए शामिल। बॉडी में कैबिनेट मंत्री ने किया लोकार्पण, बैंक की शाखा का किया गया लोकार्पण। विकासनगर में बाड़वाला लिफ्ट पंपिंग योजना की हुई शुरुआत, विधायक ने योजना का भूमि पूजन किया। राजभवन में बनेगा फैमिली वेलफेयर सेंटर, शनिवार को होगा ओपन डे। लक्सर में अवैध शराब के खिलाफ कसा शिकंजा, शराब के साथ सात आरोपी किए गए गिरफ्तार। रुड़की में भाजपा की चुनावी तैयारियों का लिया गया जायजा, भाजपा विधायक ने जीत का किया दावा। केतल संडा खाम गांव स्थित सीएसडी कैंटीन के शिलान्यास मौके पर जनरल बिपिन रावत को याद कर भावुक हो गए सीएम धावी। टैबलेट की खरीद कराएगा शिक्षा विभाग, छात्रों के खाते में दी जाएगी इसकी राशि। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट स्थित पार्किंग में खड़ी की कार, पार्किंग से कार खिसकती हुई जा पहुंची गंगा में। बिना मास्क घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने चलाया अभियान, 478 लोगों के खिलाफ किया गया चालान। अहमदाबाद से महिला मित्र के साथ घूमने आया था एक युवक, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई उसकी मौत। नानकवंदा हत्याकांड मामले में बड़ी अपडेट, पुलिस ने 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पवलगढ़ में लगी स्वदेशी टरबाइन का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल को बेरहमी से पीट, राइफल छीनकर भागे, काशीपुर से गिरफ्तार किए गए आरोपी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हिमपात, न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। कैंपा के कार्यों में अनियमितता की मिली शिकायत, शासन ने कैंप के सीईओ को भेजा कारण बताओ नोटिस। नींबू में छिपाकर कर रहे थे ड्रग्स की स्मगलिंग, दुबई पुलिस ने पकड़ी 1 अरब रुपए की नशीली गोलियां।
सूडान के पश्चिमी कोर्डोफन प्रांत में सोने का लालच पड़ा भारी, खुदाई के दौरान 38 लोगों की दबकर हुई मौत। भारतवंशी राजनयिक उजरा जया बनी तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक। जॉर्डन की संसद में अचानक आपस में भिड़ गए सांसद, जमकर चले लाठी डंडे। दुनिया में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12 लाख केस, अकेले यूएस में 4.4 लाख संक्रमित। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, ओमिक्रोन और डेल्टा के कारण दुनिया में आ सकती है कोरोना की सुनामी। तिब्बत की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए चीनी सैनिक, रोबोट सेना के हाथ में थमाई मशीन गन। पाकिस्तान में मीडिया में जारी नहीं होगी आईएसआई प्रमुख नदीम अंजुम की तस्वीरें, अधिकारी ने दिए निर्देश। म्यांमार में अदालत ने आंग सांग सूची के खिलाफ आरोपों में 10 जनवरी तक फैसला टाला। पाकिस्तान में घरेलू गैस की किल्लत ने लिया है विकराल रूप, खाना बनाने तक के लिए नहीं हो पा रही आपूर्ति। नए साल पर महंगाई का एक और डोज, कपड़े जूते कैब बुकिंग हो जाएंगी महंगी। जनवरी 2022 से एटीएम से कैश निकालने पर देना होगा ज्यादा पैसा, बदल जाएंगे नियम। रिकवरी के लिए खतरा है ओमिक्रोन, वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में आरबीआई की सीधी चेतावनी। एनपीए को बच्चे खाते में डालने से चमक रहे बैंकों के खाते, बकाए कर्जे को माफ करके कम किया जा रहा है एनपीए। बाजार की हुई कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 64.36 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट दर्ज। बीएसएनएल लाया शानदार रिचार्ज प्लान, कम खर्च में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग पर 2 GB डाटा। ई कॉमर्स फ्रॉड, 1 लाख रुपए का आईफोन 13 प्रो मैक्स किया ऑर्डर, मिली 595 रुपए वाली 2 चॉकलेट। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा, एफपीआई का निवेश 51,000 करोड़ पार। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दावा, दिल्ली एनसीआर में सस्ते हुए मकान, आज प्रमुख शहरों में बढ़े दाम। एक 1,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी में एथर इंडस्ट्रीज। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल के बाद मुंबई के रणजी ट्रॉफी में कर सकते हैं फर्स्ट क्लास डेब्यू। मोहम्मद सिराज बने सबसे सफल भारतीय गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी पीछे छूटे।
न्यूजीलैंड के नंबर वन बल्लेबाज रॉस टेलर ने संन्यास का किया ऐलान, 6 वनडे मैच और खेलेंगे टेलर। इरफान पठान दूसरी बार बने पापा, तस्वीर शेयर कर फैंस को दी गुड न्यूज। इंग्लैंड ने बनाया 0-0-0 का शर्मनाक रिकॉर्ड, 144 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी बार हुआ है ऐसा। टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन का धमाका जारी, गेंदबाजी और ऑलराउंडर दोनों जगह छाए। भारत के खिलाफ दमदार पारी खेलने वाला पाकिस्तानी गेंदबाज T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से हुआ नामित। इंग्लैंड की टीम को फिर से मिले सिलेक्शन पैनल, कोच नहीं संभाल पाएंगे दोहरी जिम्मेदारी। डेविड वार्नर ने इंग्लैंड की टीम को दी सलाह, बताया कैसे करनी है आगे की तैयारी। मोहम्मद शमी का फैन हुआ पाकिस्तानी गेंदबाज, कहा दक्षिण अफ्रीका के पास नहीं है उनका जवाब। कोविड पॉजिटिव होने के बाद सील हुई अर्जुन कपूर की बिल्डिंग, घर सहित पूरी बिल्डिंग को किया जा रहा है सैनिटाइज। इरफान खान की रुकी हुई फिल्म मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 इस हफ्ते OTT पर होगी रिलीज। वुल्वरीन फेम एक्टर व्यू जैकमैन को हुआ कोरोना, किम कदर्शियन की पीट डेविडसन से नजदीक या एक्स हस्बैंड कार्नी विन को नापसंद। सुनंदा शेट्टी ने किया बेटी का सपोर्ट, बोली घर वालों ने शमिता को फ्रोजन में कंधे का जिस तरह मजाक उड़ाया वो बिल्कुल गलत। निरहुआ काजल संग फिल्म सदा सुहागन में नजर आएंगे आम्रपाली, निर्माता प्रदीप के शर्मा ने किया साइन। हैवी वेट उठाकर वर्कआउट करती दिखी 34 साल की समन्था, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर साबित हुई। शाहिद कपूर ने नेपोटिज्म पर कही बड़ी बात, मैं भी हूं एक स्टार किड, हमें वैसा चांस नहीं मिला। सलमान खान के वीर के प्रोड्यूसर विजय गलानी का लंदन में हुआ निधन, ब्लड कैंसर से पीड़ित। रणवीर आलिया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए सीक्रेट लोकेशन पर निकले, मैचिंग आउटफिट में नजर आए दोनों। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा हनीमून के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर, कपल ने फेवरेट डेस्टिनेशन की फोटोज किए शेयर। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।